नमस्कार, आप सभी का स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम इस चैनल पे आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर से संबंधित बातें बताते हैं, तो सिर्फ थ्योरी क्यों बताएं, कुछ प्रैक्टिकल भी किया जाए। एक हमारी साइट शुरू हुई है 3 जुलाई से, तो अब मैं आपको अपने साथ साइट विज़िट भी कराया करूँगी, लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि हम लोग प्रोजेक्ट में क्या क्या करते हैं। आज ये वीडियो उसी प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों के बारे में है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये प्रोजेक्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस हॉल में हम ये काम करेंगे, वो हॉल आज की तारीख में यानी 3 जुलाई को कैसा दिखता था हमारे काम करने से पहले, और फिर हमने इसमें अलग अलग स्टेजेस पे जो वर्क किया है उन स्टेजेस को हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। ये जो वीडियो है ये बता रहा है कि ये हॉल अंदर से किस तरह से दिखता है। इसके बाद में जो अभी अगला वीडियो आप लोगों के सामने है, इस वीडियो में हमने फ्लोरिंग होने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क किए हैं। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको फर्शी का काम करवाना है या फ्लोरिंग का काम करवाना है, तो इंटीरियर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वर्क है या एयर कंडीशनिंग का वर्क है, ऐसी कोई लाइन है जो कि फर्श में से जाने वाली है, तो आपको वो काम फर्श ही करवाने से पहले ही करवाना होगा। दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक लाइन्स और एयर कंडीशनिंग वर्क के लिए ट्रांसफर का करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। या तो हम सीलिंग, फॉल्स सीलिंग के ज़रिए करेंगे या फिर फर्श के थ्रू करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में फर्श में एयर कंडीशनिंग की जो आउटलेट है यानी पानी का जो आउटलेट है उसको हमने बाहर निकाला है। 3 AC इस में लगने वाले हैं, तो इन AC में से 2 AC तो दीवार पे लग रहे हैं और 1 AC जो है वो पार्टीशन वॉल जो अब बनेगी उस पे लगने वाला है। तो ये जो हमने अभी लाइन का वीडियो बनाया वो ये शो करने के लिए है, ताकि बाद में आने वाली टीम्स हैं उनको भी ध्यान में रहे कि यहाँ पर वो पंचर ना कर दें उनको। तो इस तरह से हमने एक वीडियो बना के रखा उनके लिए भी, और ये वीडियो आपके लिए भी है कि इस तरह से हम एयर कंडीशनिंग की लाइन को बाहर निकाल के छोड़ देंगे, तो ये 3 AC जो है बाहर, जो उनका पानी है वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ही वॉल है जो कि एक्सटर्नल वॉल है, तो हमें इसी साइड के थ्रू ही ये 3 AC के लिए बाहर की तरफ निकलना है। और जो लास्ट वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग का यानी उस रूम का जो एक आउटर वॉल था, जो पार्टीशन वॉल की तरह इनको बनाया हुआ था वुड में, तो इसको हम अब रिमूव कर दे रहे हैं। और अब इसके बाद से हम आपको अगले वीडियो में सीधा साइट पर लेके चलेंगे और देखेंगे कि इन 7 दिनों में वहाँ पर क्या क्या हो गया है, और आपको उसके साथ में अवगत कराते चलेंगे। तो आप इन वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए और इसके साथ में ये सीखिए कि प्रैक्टिकली हम लोग जो ड्राइंग्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगले वीडियो में साइट पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।